नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। 23 मई को नरेंद्र मोदी की वापसी की खबर आई, साथ ही ये खबर कश्मीर से आई, उस आतंकी के बारे में जिसके बारे में कहा जाता था कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब वो मार दिया गया है। नाम है जाकिर राशिद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा, कश्मीर घाटी का सबसे दुर्दांत आतंकवादी, जिसके बारे में घाटी के अंदर किस्से चलते थे। लोग कहते थे सब पकड़े जाएं, मगर मूसा नहीं पकड़ा जाएगा, पर मूसा मारा गया है। ये खबर भी आई 23 मई को, जब पूरा देश लोकसभा चुनाव की गिनती जानने में मशरूफ था। मूसा का मारा जाना इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी जीत है। वजह कि मूसा कभी हाथ ही नहीं आता था, वो घने जंगलों में छुपकर रहता। लोग कहते उसके दिमाग में जंगलों के रास्ते गुदे हैं, वो उन्हें जितनी अच्छी तरह जानता है वैसे शायद ही कोई जानता हो। मूसा के बारे में किससे कहे जाते थे, लोग कहते वो जब तक ना चाहे कोई इस तक नहीं पहुंच सकता। मूसा महीनों गायब रहता, महीनों तक उसकी खबर नहीं आती। अब सुनिए जाकिर राशिद भट्ट के जाकिर मूसा बनने की पूरी कहानी। 2008 की गर्मियां बहुत गर्म रहीं घाटी के अंदर, आज जो पत्थरबाजी इतना रूटीन हो गई है ये तब शायद पहली बार हेडलाइंस में आया। चीज़ें और बेकाबू हुई 2010 में, तारीख 30 अप्रैल, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल है, वहाँ सेना ने 3 लोगों को मारा। आर्मी का कहना था कि वो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, मगर घाटी के लोगों का इल्ज़ाम था ये फेक एनकाउंटर है। जी हाँ, इल्ज़ाम था। मालूम चला कि जो तीनों मारे गए हैं वो लोकल लड़के थे। इसके बाद कश्मीर तो बस सुलग गया, लोग सड़कों पर उतर आए। 11 जून को ऐसी ही एक भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस छोड़े। इसमें एक स्कूल के लड़के तुफैल मट्टू को की जान चली गई। फिर तो हालात बदतर हो गए, पूरी घाटी जैसे सड़कों पर ही आ गई। सबसे ज़्यादा भागीदारी रही स्कूली लड़कों की, जो बालिग भी नहीं हुए थे। इनका हथियार था पत्थर। कई लड़कों पर FIR हुई, इन्हीं में से एक था अवंती पोरा में रहने वाला 16 बरस का जाकिर राशिद भट्ट। पैदाइश का साल 1994। पापा अब्दुल राशिद भट्ट सरकारी नौकरी में थे। उसने 12वीं पास करके चंडीगढ़ के एक कॉलेज में दाखिला लिया था, सिविल इंजीनियरिंग से BTech कर रहा था। जब कश्मीर उबला उस समय वो गर्मी की छुट्टियों पर आया हुआ था, ठीक ठाक था पढ़ने में, मगर कैरम ज़्यादा अच्छा खेलता था। उसके घर वाले कहते हैं उसने पत्थरबाजी नहीं की, कि उसे बेमतलब टॉर्चर किया गया। सेना प्रशासन कहते हैं वो था पत्थरबाजों में। खैर, 2013 में एक दिन वो घर छोड़कर निकल गया। कश्मीर में किसी भी लड़के के मिलिटेंट बनने की खबर पता चल जाती है बाकी सभी लड़कों को। कुछ ही दिनों में सबको मालूम चल गया जाकिर राशिद भट्ट अब जाकिर मूसा बन गया था, हिजबुल मुजाहिदीन का हो गया था। उस समय वो 19 साल का हुआ था। मूसा बहुत जल्दी आगे बढ़ा, वो बुरहान वानी वाले ग्रुप में था। बुरहान के साथ कुछ तस्वीरें भी आई उसकी। इनका स्टाइल अलग था, ये लोग AK-47 हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते। 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी मारा गया, वो दक्षिणी कश्मीर में हिजबुल का कमांडर था। उसके बाद ये जगह मूसा ने संभाली, मगर फिर वो रेडार से गायब हो गया। इसके कुछ महीने बाद एक ऑडियो मैसेज आया उसका, इसमें धमकी थी हुर्रियत नेताओं की सिर काट के फेंकने की। उसमें उसने धमकाया कि अगर वो कश्मीर के अंदर इस्लामिक शासन लागू करने के उसके मकसद के बीच में आए तो वो उनका सिर कलम कर देगा। हिजबुल ने इस धमकी के लिए मूसा को खरी खोटी सुनाई। इसके बाद ही हिजबुल और उसके रास्ते अलग हो गए। फिर उसका एक ऑडियो आया, उसने कहा अब वो दुनिया भर में खिलाफत कायम करने की लड़ाई लड़ रहा है, शरीयत या शहादत, ये नारा था उसका। मूसा ने अंसार गजवात उल हिंद बनाया, इसकी वफादारी सीधे अलकायदा से थी। ओसामा बिन लादिन हीरो था उसका। मूसा ने कहा कश्मीर की दिक्कत मजहब से जुड़ी है, राजनीति से नहीं। उसने ना केवल हुर्रियत को बल्कि हिजबुल और लश्कर तैयबा तीनों को निशाने पर रखना शुरू कर दिया। इनकी तरह वो ना आज़ाद कश्मीर चाहता था, ना पाकिस्तान से मिलना चाहता था। वो कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था, जहाँ बस शरीयत की जगह होगी। उसने सोशल मीडिया पर 3 पन्नों का एक बयान निकाला, इसमें लिखा था हमारा जिहाद ना कश्मीर को अलग मुल्क बनाने के लिए है, ना संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को पास करवाने के लिए, जनमत संग्रह करवाना भी हमारा मकसद नहीं है, हम बस अल्लाह की सत्ता कायम करने को जिहाद कर रहे हैं। फिर मूसा का एक वीडियो मैसेज भी आया सोशल मीडिया पर, इसमें वो कह रहा था राष्ट्रवाद और लोकतंत्र इनकी इजाज़त नहीं है इस्लाम में, जब हम पत्थर उठाएं या बंदूक चलाएं तो हमारा लक्ष्य ये ना हो कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, हमारा इकलौता लक्ष्य है इस्लाम की सर्वोच्चता को कायम करना और शरिया लागू करना। एक और बात ये कि मूसा के मामले में भारत और पाकिस्तान एक सा सोचते थे। दरअसल मूसा ज़्यादा खतरनाक था, ना केवल वो आतंकवादी था बल्कि वो कश्मीरी युवाओं को रेडिकलाइज भी कर रहा था। वो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को कश्मीर के अंदर पैर जमाने में मदद दे रहा था। बुरहान कश्मीर की आज़ादी की बात करता था,
बाकी धर्म वाले निशाने पर नहीं थे उसके, मगर मूसा के लिए सेकुलरिज्म की कोई भी जगह नहीं थी। मूसा के तौर तरीके भी बदल गए। पहले का स्टाइलिश फैशनेबल कपड़ों का शौकीन मूसा दाढ़ी बढ़ाए अलग तरह के कपड़ों में नजर आने लगा। ये मूसा का ही असर था कि घाटी में कई जगह मारे गए आतंकियों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने की जगह आईएस के झंडे में लपेटने का ट्रेंड शुरू हुआ। घाटी में जगह जगह दीवारों पर उसका नाम लिखने लगे लड़के। मूसा ही वो पॉइंट था जहां आकर भारत, पाकिस्तान, हिजबुल और लश्कर चारों एक सा सोचते थे। इन सबको ही मूसा से खतरा था। मूसा के मरने में सबका ही फायदा था। कश्मीर में किदंती टाइप भी बन गया था मूसा। कश्मीर घाटी में मूसा की कहानी ऐसी सुनाई जाने लगी जैसे जिन्न की सुनाई जाती है। वो लोकप्रिय हो रहा था, मगर उसका ग्लोबल इस्लामिक रेडिकलिज्म एंटी कश्मीर भी माना जा रहा था। हिजबुल और लश्कर उसके खिलाफ थे ही, भारत ने भी 2016 में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया। खूब सारे मिलिटेंट्स मारे गए, मूसा के संगठन के भी कई लोग मारे गए। 2018 में पुलिस ने कहा कि उसके ग्रुप में बस 4 लोग जिंदा बचे हैं। पुलिस कहती वो बस किदंतियों में ही मजबूत है, जमीन पर उसके संगठन का नेटवर्क नहीं है। इसका एक मतलब ये भी है कि मूसा लोगों की फैंटेसी में, उनके दिमाग में बैठ गया था। किदंती ऐसे ही तो नहीं बनती। किससे हैं कि सुरक्षा बलों को खबर मिलती कि मूसा फला इलाके में है, वो इलाके को घेरते, लेकिन लोकल लोगों की मदद से मूसा हमेशा बच निकलता। इसी तरह बसते बसते मूसा हाल के दिनों में घाटी के अंदर सबसे लंबा जीने वाला आतंकी बन गया। मिलिटेंट्स की जिंदगी ज्यादा नहीं होती, हद से हद 1.5 से 2 साल तक। 7 साल बाद उसके नाम पर फुल स्टॉप लग गया है। 21 मई को एक 3 मंजिला घर में वो फंस गया, अंदर वो, बाहर सुरक्षा बल। इस बार मूसा भाग नहीं पाया। अब जो वो मार डाला जा चुका है तो कश्मीरी सहमे हुए हैं। वहां कर्फ्यू लग गया है, डर है कि एक बार फिर कश्मीर सुलग उठेगा, फिर से बुरहान वानी के टाइम वाली हिंसा होगी। ये डर सेना और सरकार को भी होगा। जिंदा मूसा से अलग खतरे थे, पर मारे गए मूसा से भी अलग खतरे हैं। ये डर भी है कि कहीं मूसा के मारे जाने से कश्मीर में मिलिटेंसी ज्वाइन करने वालों की तादाद ना बढ़ जाए, और ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा। पर इन सबसे निपटने के लिए हमारी सेना वहां तैनात है, जिसकी ऑपरेशन ऑल आउट ने वहां के आतंकियों का धुआं धुआं उड़ा रखा है। 23 मई को इलेक्शन रिजल्ट के साथ ही ये एक और खबर थी जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको सुनाई। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए thelallantop.com। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ अमितेश हैं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।